इन दिनों बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपनी नई फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोरों पर है। फिल्म पठान की शूटिंग दुबई में चल रही है। अब इस फिल्म को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसको जाने के बाद पठान का इंतजार कर रहे दर्शक और शाहरुख खान के फैंस की उत्सुकता और बढ़ जाएगी। अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड लाइव की खबर के अनुसार शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में शामिल बुर्ज खलीफा में की जाएगी। अभी तक भारत की कई फिल्मों और गानों की शूटिंग में बुर्ज खलीफा नज़र आ चुकी है, लेकिन सभी की शूटिंग इस इमारत के सामने हुई है। किसी ने भी इस इमारत के अंदर शूटिंग नहीं की। यह पहली बार होगा जब किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग बुर्ज खलीफा के अंदर होगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हॉलीवुड सिनेमा में भी केवल दो ही फिल्में की शूटिंग बुर्ज खलीफा में हुई है। यह दो फिल्म अभिनेता टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल और विन डीजल, ड्वेन जॉनसन, पॉल वॉकर, जेसन स्टैथम और मिथेल रोडिज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 है। ऐसे में जाहिर है कि पठान को लेकर दर्शकों और शाहरुख खान के फेस की उत्सुकता बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं फिल्म पठान की शूटिंग से जुड़ी कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें शाहरुख खान खतरनाक स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शाहरुख खान ट्रक पर फाइट सीन की शूटिंग करते हुए नजर आए। वहीं दूसरे वीडियो में किंग खान बुर्ज खलीफा के सामने शूटिंग करते दिखाई दिए हैं। इसके अलावा फिल्म पठान की शूटिंग के सेट में कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। शाहरुख खान के सभी वीडियो तस्वीरों को दुबई में मौजूद उनके फैंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो यशराज बैनर की फिल्म पठान की शूटिंग बीते कुछ समय से जारी है। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। हालांकि इस फिल्म को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे।